नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पीने का पानी की बड़ी समस्या है। भूजल को लेकर उठे सवालों के बीच पीने के पानी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर आपकी भी आदत है कि आप दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पी लेते हैं, तो आज के लिए भी ये खबर हैरान करने वाली होगी, क्योंकि आप भी बिहार के उन जिलों से आते हैं जहां का पानी अब जहर बन चुका है। तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि बिहार के अधिकतर जिलों का पानी पीने लायक ही नहीं बचा है। वैसे तो बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं, लेकिन इनमें से 31 जिलों के भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और अत्यधिक आयरन मौजूद मिला है, जो कि गंभीर स्वास्थ्य खतरों को पैदा करता है, जिससे यकृत और गुर्दे से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। इसमें भी हैरानी करने वाली बात जो सामने आई है, उसके अनुसार जितने भी जिले प्रदूषित पानी से प्रभावित हुए हैं, उसमें से अधिकतर ग्रामीण बहुल इलाके हैं। यानी कि बीते लंबे समय से बिहार के इन जिलों के लोग पानी की जगह पर जहर पी रहे हैं। अब जब से इस नई बात का खुलासा हुआ है, यानी कि जब से ऐसी बातें शुरू हुई हैं कि बिहार के 31 जिलों का पानी पीने योग्य ही नहीं है, तब से एक तो सीएम नीतीश के नल जल योजना पर सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्य सचिव और सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भारत सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। 6 सप्ताह के अंदर अंदर उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। परेशानी की बात यह भी है कि अगर बिहार के जिलों को लेकर जारी किया गया रिपोर्ट 100% सही है, तो इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला भी माना जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि 30,272 ग्रामीण वार्डों में भूजल रासायनिक रूप से दूषित है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनमें से 4,238 आर्सेनिक प्रभावित, 3,763 फ्लोराइड प्रभावित और 20,996 आयरन प्रभावित क्षेत्रों में काम पूरा हो गया है। दूषित पानी के सेवन से त्वचा, लिवर, किडनी और अन्य जल जनित रोग होते हैं। प्रभावित जिलों में पटना भी शामिल है। इसके अलावा बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, नवादा, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और अररिया शामिल है। जिसके बाद ही जैसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के 38 जिले में से 31 जिले में भूजल का संज्ञान लेते हुए देखा, रिपोर्ट में कहा गया है कि हर घर नल का जल के तहत साल 2024 तक हर घर को नल के पानी की आपूर्ति करने की योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान ने बताया कि राज्य सरकार घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित जिलों में गहरे पानी तक बोरवेल खोदे जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांटों के जरिए पेयजल को प्रदूषण मुक्त कर घरों तक आपूर्ति भी की जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।